अपन खड़े हैं एमपी और छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पॉइंट जो है धूपगढ़। इसी माउंटेन से नापा गया है 1352 मीटर 4429 फीट। दिख रहा है इसको गढ़, इसलिए इसका नाम तीजगढ़। आदिवासी लोगों ने, यहीं के लोकल लोग रहते थे, उन्होंने एनिमल को देखे, भालू वगैरह को देखे, इसलिए इसको भालू गुफा कहा जाता है। पहले ये पानी में डूबा हुआ था, वैसे वैसे पानी कम होते गए। ये बाटल लेवल देख रहे हैं, किसी लेवल में है। अंदर घुसते हुए एंट्री, आगे 4-5-6 जिप्सी भी खड़ी हुई हैं, पीछे भी हमारी एक जिप्सी आ रही है। पैदल चलना है, अच्छा खाना यहीं पचाना पूरा। तो अब हम लोग यहीं खाना पचाने के लिए थोड़ा पैदल भी चलना पड़ेगा, इसीलिए पचमढ़ी नाम है यहाँ पे, पच जाए, इसीलिए इसका नाम पचमढ़ी है। देख लो भैया, सुन लो सब की कहना। पानी की बोतल रखनी है, यहाँ तो आम का पेड़ लगाया। जाओगे तो ऐसा लगेगा मैं इतना लेसी के सामने खड़ी, काफी हां बहुत एक मिनट रुक जाइए, लेसी जानकारी ले लीजिए, फिर चले जाना है। इसको बीजगढ़ इसलिए बोलते, पहले यहाँ पर जब ब्रिटिश लोग आए, ब्रिटिश लोगों ने RIG रिच, पहले इसको धीरे धीरे करके इसको रिच बोलने लगे, तो दो पहाड़ों को मेल को रिच कहा गया। ये किला जैसा दिख रहा है इसको गढ़, इसलिए इसका नाम बीजगढ़। आदिवासी लोगों ने, यहीं के लोकल लोग रहते थे, उन्होंने एनिमल को देखे, भालू वगैरह को देखे, इसलिए इसको भालू गुफा कहा जाता है। पहले ये पानी में डूबा हुआ था, वैसे वैसे पानी कम होते गए। ये बाटल लेवल देख रहे हैं, किसी लेवल में है। यहाँ पे फिल्म की शूटिंग हुई अशोका, चक्रव्यूह, तरकीब और धाकड़। आप बीच में जाओगे धाकड़ मूवी की भी हुई है, धाकड़ की भी हुई। तो आप बीच में जाओगे तो आपको देखना, ऊपर देखना, आपको ऐसा लगेगा कि हम कुएं की आकृति में खड़े। उसके आगे नहीं जाना, उसके आगे जंगल है। अगर आप जंगल में जाओगे तो भटक जाओगे। जंगल देख कर जब रिटर्न में आओगे ना, अपना हेड झुकाकर, मोबाइल की टॉर्च ऑन कर राइट लेफ्ट में दोनों में गुफा देखते हुए लेफ्ट हैंड की तरफ से सीधा आप बाहर आ जाओ। पहले ये को होता था, अब साइलेंट जोन में कर दिया गया, और आपको ट्री मिलेगा फोटो फ्रेम वाला, ऐसा लगेगा नेचुरल फोटो फ्रेम है, काफ़ी अच्छा है वो ट्री। और यहाँ पर वो देखिए हनी लगा हुआ, आप बोल रहे थे ना, वो देखिए मधुमक्खी का छाता। तो यहाँ पर आपको मालूम है, वो
और ये है गुफा, और यहाँ पे एक पेंटिंग बनाया गया है बोलते हैं, ये देखो। तो देख सकते हैं जो जगह है बहुत गुफा वाली जगह है, और मेरी आवाज़ जो बैठ गई है इस कारण से जो मैं अच्छे से ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा। तो ये देख सकते हैं इधर से हम उतरे हैं ऊपर से, और ये यहाँ पे जो है अंदर, चलते हैं इस गुफा के अंदर। और यहाँ बोलते हैं कि यहाँ भालू रहता था, वो कुछ दिख नहीं रहा होगा। देखो तो चलो गाइस आगे दिखाते हैं आपको, और यहाँ से पूरा देखो कितने अंदर से आया हूँ। ये हमारे भालू आते हुए, भालू इधर देखिए, भालू भी मेरा हाथ टूटा है ना वाला। पर इस गुफा के अंदर से अपन आए हैं, यहाँ से निकलने के बाद अपन चलते हैं उधर, ये पूरा जंगल है। जगह पे गुफा और हालत ख़राब हो चुकी है, देख सकते हैं ये वाला पेड़ कितना अच्छा लग रहा है, फोर बना है उल्टा, और वहाँ पे पहाड़ी देख सकते हैं वो, और यहाँ से पूरा जंगल ही जंगल है, खाई है। और जहाँ से अपन गए थे वहीं सीधे निकलेंगे इधर से, ये वाली रोड से। और यहाँ फिर वहीं पहुँच गए अपन, ये चीज का मजा ले तब तक थोड़ी देर रहा। नो मैम, गुफा में टॉर्च मारना, राइट लेफ्ट में दो गुफा देखिएगा, टॉर्च ऑन कर लेना। और ये जो गुफा आपको दिखा दी है यहाँ पे, कैसी गुफा थी, कौन सा गुफा, पांडा रीजगढ़, कहाँ रीजगढ़, ये रीजगढ़ है, ये रीजगढ़ और यहाँ पे गुफा। और चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन और दिखाते हैं आपको वहीं पे। आप ही रख लो, ये देखते हैं।
ये दिखा रहा है राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट देखते हैं। अभी तो चलिए, अभी मैं कुछ और जानकारी दे रही है भैया और अजय। देखिए अपन खड़े हैं एमपी और छत्तीसगढ़ का हाईएस्ट पॉइंट जो है धूपगढ़। इसी माउंटेन से नापा गया है 1352 मीटर 4429 फीट सी लेवल में। सबसे पहले एमपी और छत्तीसगढ़ की सनलाइट यहीं पर पड़ती है, काफ़ी समय तक धूप रहती है और आखिरी किरण भी यहीं से होकर गुजरती है, इसलिए इसका नाम धूपगढ़ था। इसका पुराना नाम है हर्बल कोट, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन ज़्यादा पाया जाता है इसलिए इसका पुराना नाम हर्बल कोट है। यहाँ से एमपी के अंदर तीन हाईएस्ट पॉइंट है, फर्स्ट में अपना धूपगढ़, सेकंड में अपना महादेव की पहाड़ी जो है 1330 मीटर, फिर अपना थर्ड में है चौड़ागढ़ मंदिर वो है 1308 मीटर। यहाँ से आपको एक बिल्डिंग दिखेगी वो है रविशंकर भवन। यहाँ पर प्रथम अपने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थी ना, वो यहाँ पर आए थे, बड़का पेड़ लगा कर गए, जब इसे वो राजेंद्रगिरी के नाम से जाना जाता, वो उनका रेस्ट हाउस था रविशंकर भवन। फिर आपको दिखेगा यहाँ से जो मैंने पैरासिलिंग ग्राउंड दिखाई थी वो भी दिखेगा, और आपको चौड़ागढ़ का मंदिर दिखेगा। आपको यहाँ पर लास्ट वाली रोड दिखेगी, वो जाती जंगल सफारी के लिए। पहले यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए जंगल सफारी भी जाते थे, गाड़ियों से भी जाते थे, पर अब बंद हो गया फॉरेस्ट के अंदर। फिर इसके बाद आपको ये रास्ता दिखेगा, स्काउट गाइड वाले बच्चे आते ना जिनको पैदल ट्रैकिंग करवाते, वो भी यहाँ से आते। आपको मालूम है जब सूर्य की किरणें माउंटेन पे पड़ती है तो क्या बनता है मालूम है आपको? शिलाजीत। सबसे ज्यादा कौन खाता है ये पता है आपको? मंकी, क्योंकि मंकी पहाड़ों पर बैठते हैं और उनसे बच जाती है। यहाँ की शिलाजीत होती है सूर्यतापी, और यहाँ का हनी, हनी इसलिए फेमस है कि आपने फूल वगैरह तो देखे ही नहीं, जो मेडिसन प्लांट्स लगे ना उन्हीं का वो निकलता है, मधुमक्खी उन पर ही बैठती है। यहाँ का हनी थोड़ा कड़वाहट वाला। कल आपने टेस्ट किया था यहाँ का हनी? करे थे आपने? किया था जटाशंकर में? पूरे का नकली वाला मिलेगा? हाँ, जटाशंकर में नकली वाला। यहाँ पे 200-300 है यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाली। और अगर आपको चाहिए और हनी भी काफी फायदेमंद होता है वेट कम करने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए, जैसे किसी को आंखों में चश्मा लगा, यहाँ का हनी एक महीने आप अगर अपने आंखों में लगाओगे तो आपका टाइट चश्मा भी निकल सकता है। जब ब्रिटिश लोग ने टेस्ट किया था और उसमें तो ये है कि सर्दी खांसी और शिलाजीत हड्डी को मजबूत करती और ताकतवर होती। यहाँ पे चार पांच चीज सब फेमस है। एक तो यहाँ का हनी सेकंड में आता है, फर्स्ट का ब्राजील का है और सेकंड में हमारी पचमढ़ी का है। फिर इसके बाद आती है शिलाजीत ऑयल पेंट तेल आता है, जंगली प्याज आपने देखी 5 से 10 किलो तक की रहती है जो जमीन के अंदर, उसकी से भी तेल बनता है। और एक पत्ती खा, आप तो गए ही नहीं तो आपको पत्ती भी खिलाते, यहाँ पर पत्ती नहीं लगी। अगर वो पत्ती को आप खाते ना तो गुड़ मार की पत्ती होती है, उसको खाने के बाद आप 4 घंटे मीठा भी खाते ना तो आपको 4 घंटे के बाद मीठा कितनी खा लेते नहीं लगता। जब आपको स्वाद लाना है तो आप नमक खाओगे ना जब भी स्वाद आए तो ठीक है। आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा ये, फिर अपन चलेंगे 1885 की बिल्डिंग देखने के लिए। ये सनराइज पॉइंट है, वो है पैरासेलिंग वाले जो बता रहे वहाँ बन रहा है। अपन घर गए थे अभी वो वाली पहाड़ी में। मामा जी, मामा जी, भाई दिख रहा है सबसे बड़ा बंदर वही है। यही सुसाइड पॉइंट है, खा जाता है सुसाइड पॉइंट, यही देख लो सुसाइड पॉइंट, यही है देख लो सुसाइड पॉइंट जिसको आना हो बाद में। ये वहाँ गए थे हम लोग जटाशंकर? नहीं है एकदम।
है तो बहुत कुछ ये वाला फॉल में यहाँ यहाँ पे बैठे हम लोग नहीं यहाँ नहीं बैठते नहीं ये बजाते हैं उनके यहाँ पे यहाँ पे आधा पानी है और ये है धूपगढ़ ये कैमरे ये फोटो लो यार ये वाली फोटो लो यार फलक तक चल साथ मेरे फलक तक चल साथ चल फलक तक चल फलक तक चल और ये जो था धूपगढ़ और चलते हैं यहाँ से और मिलते हैं यहाँ पे जो है सनसेट पॉइंट देख लिया अपन ने और चलते हैं वापस अपने घर मतलब अपना जहाँ से आए हैं अपन और अपना रूम चलते हैं होटल में और ये ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और कैसी लगी ये वीडियो मुझे लाइक कमेंट करके बताएं और क्या है मेरी जो गला जो है बैठ चुका है और ठंडा पानी पीने के कारण और तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है तो गाइस दिखाते हैं आपको और ये चल रहे हैं अपन और अपनी गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं तो भाई लोग अपने आ रहे हैं पीछे से